आती है, इसके अंदर जो जाल होता है उसके उसके कारण शिकायत आती है कि जाल, अगर जैसे हम गेहूँ निकाल रहे हैं और जाल हमें 1.5 सूत या 2 सूत का ही लगा रखे हैं तो जाल भरेगा। संजू और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अशोक कृषि यंत्र पे। तो किसान भाइयों, आज मैं आपके लिए बहुत ही सटीक जानकारी लेकर के आया हूँ। जैसे मेरे पास एक कई किसान भाइयों के कॉल्स भी आए हैं, तो उसके अंदर आया, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था इसके मशीन के RPM के लिए। तो किसान भाइयों, आज मैं फिर से बता दूंगा और इसके अंदर मैं 3 सेटिंग बताने वाला हूँ। जैसे एक तो ड्रम जो भरता है, एक तो ड्रम भरता है उसकी शिकायत ज़्यादा आ रही है, और एक गेहूँ उठा रही है उसकी शिकायत ज़्यादा आ रही है। तो किसान भाइयों, आप हमारी वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपके समझ में आएगी कि हमने क्या क्या किया और कैसे किया है। तो चलिए किसान भाइयों, आज हम आपको पूरी जानकारी समझा देते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। पहले आपको ट्रैक्टर की गति निर्धारित करनी होगी कि ट्रैक्टर के RPM कितने हैं। अगर ट्रैक्टर के RPM आपको पता लगते हैं या फिर उसके ऊपर लिखे हुए आते हैं ट्रैक्टर के ऊपर, तो उसके अकॉर्डिंग ये पुली चेंज होगी। जैसे अगर आपके ट्रैक्टर के RPM 540 है, ट्रैक्टर चाहे कोई सा भी हो, ट्रैक्टर के RPM अगर 540 है तो नीचे की पुली 1 इंच ऊपर की पुली से 1 इंच बड़ी रहती है। जैसे नीचे की पुली 10 इंची की है तो ये 9 इंची की रहेगी। और अगर ट्रैक्टर के RPM ज़्यादा है, 1000 के लगभग है, 540 से ज़्यादा है, तो आपको नीचे वाली पुली और ऊपर वाली पुली में 1 इंच का गैप रखना होगा। नीचे वाली पुली छोटी लगेगी, ऊपर वाली बड़ी लगेगी। 540 में नीचे वाली बड़ी लगती है और ऊपर वाली छोटी लगती है। तो किसान भाई, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। और इसके आगे हम आपको बताते हैं कि जो ड्रम भरने की जो ज़्यादा शिकायत आती है, वो एक तो शिकायत आती है इसके अंदर जो जाल होता है उसके कारण शिकायत आती है कि जाल, अगर जैसे हम गेहूँ निकाल रहे हैं और जाल हमें 1.5 सूत या 2 सूत का ही लगा रखे हैं तो जाल भरेगा। इसके अंदर आप गेहूँ के अंदर आप 3 से 3.5 सूत का जाल लगा हुआ, तो वो 3 सूत से ऊपर 3.5 सूत तक गेहूँ का जाल होता है, उसमें गेहूँ आसानी से निकल जाता है। और उसके अंदर एक हिडन सेटिंग है जो ज़्यादातर चौमुखी थ्रेसर के अंदर देखने को मिलती है। इसके अंदर आपको ये 2 पर्दे दिखाई दे रहे होंगे, ये पर्दे आते हैं, ये 2 पर्दे आते हैं, दोनों साइड में आते हैं, आप देख सकते हैं दोनों। ये जाल को चौक करने के लिए आते हैं, और इनके जो नट आते हैं, इनको लूज करने के जो नट आते हैं वो थ्रेसर के साइड में आते हैं। ये वाले नट आते हैं, ये साइड में आते हैं, दोनों तरफ नट है, ये दोनों तरफ नट आते हैं। आप इन नटों को ढीला करोगे तो जाल जो है वो खुल जाएगा, पूरा खुल जाएगा। अगर जैसे माल के अंदर अगर कुटाई नहीं हो रही है तो तब इस जाल को ना जो चोक करना पड़ता है, इन नटों को दाब लगा के जाल को चोक कर देते हैं, इससे वो कुटाई ज़्यादा होने लग जाती है। तो किसान भाइयों, ये आपको सेटिंग करनी है। और एक अनाज उठाने का है, तो अनाज उठाने का ये जो पर्दा आता है बीच में हवा का सिस्टम आता है, उसकी सेटिंग आपको प्रॉपर करनी है। उसका जो पर्दा आता है जो जस्ट इसके पास में लगा हुआ आता है, पंखे के पास में लगा हुआ आता है, तो उसके अंदर आपको पर्दे को ना जो थोड़ा सा ऊपर उठा देना है, थोड़ा ऊपर उठा देना है। तो उससे क्या होगा कि पंखे की हवा की जो गति, जो हवा है उसका प्रेशर कम हो जाएगा, खींचने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, इसके कारण वो अनाज को नहीं उठा पाएगा और केवल चारा चारा ही उठा पाएगा। तो किसान भाइयों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आगे हम कौन सी मशीन पे वीडियो बनाएं और किस मॉडल पे या किस सेटिंग पे हम आपको बताएं, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन की घंटी।